Hey guys, welcome to our channel We Munch. So अभी हम जा रहे हैं मुखर्जी नगर. बहुत दिन हो गए कुछ नया ट्राई नहीं करा, तो मुखर्जी नगर YouTube में मैं चेक करा था. YouTube में चेक करा, मुखर्जी नगर में है चाचा चौधरी एक्सप्रेस, विच इज अ प्लेस फॉर बुफे. 150 रुपए का बुफे है वहाँ पे, अनलिमिटेड फूड. सो ट्राई करते हैं, देखते हैं. उसके रिव्यूज तो अच्छे थे, हम भी ट्राई करते हैं. वी आर वेरी फूडी, सो देखते हैं कैसा खाना है. और आगे भी ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे जहाँ पे हम आपको नई नई जगह लेके जाएंगे. जैसे आज हमारा प्लान था केरला भवन जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली पता लगा केरला भवन सैटरडे को बंद होता है. सो वी विल ट्राई सम अदर डे केरला फूड इन बनाना लीफ. बड़े से बनाना लीफ में वो लोग ऑथेंटिक तरीके से देते हैं, दैट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस. सो लेट्स ट्राई. सो अभी हम निकल चुके हैं और अभी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. शायद आधे घंटे, हमारे लोकेशन से तो आधे घंटे का रास्ता है. एंड वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि आगे वहाँ बुफे में क्या क्या अवेलेबल है. और वहाँ पर एक स्पेशल चीज भी है कि अगर जो भी खाना वेस्ट करता है, अगर अपने प्लेट में खाना छोड़ता है, उसके भी चार्जेस है. तो ये अच्छी बात है, इससे क्या है, खाना वेस्ट नहीं होगा. तो हमारा खाने का प्लान तो ऑन है ही, और इसके साथ साथ हम शायद आज थिएटर भी जा सकते हैं, क्योंकि आज मूवी लगी हुई है बेल बॉटम, कल या परसों ही रिलीज हुई है और काफी टाइम बाद थिएटर्स में मूवी लगी है. वैसे अभी तक हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख लेते थे, और अक्षय कुमार की मूवी है तो मुकेश का फेवरेट है, तो देखने तो जाना ही है. वैसे भी अक्षय कुमार की मूवीज काफी अच्छी होती है, मुझे भी काफी पसंद है. और इस मूवी के रिव्यू हमने देखे हुए बेल बॉटम के, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं, और एक्शन भी है, थ्रिल भी है. सो इसे हम शायद देखने जा सकते हैं, बट हमारे लंच के बाद. सो अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, और प्लान है हमारा कि 3D में देखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक्शन सीन काफ़ी अच्छे हैं. तो अब मिलते हैं दैट लंच डेस्टिनेशन पे. पहुंच गए मुखर्जी नगर, और यहाँ पे देखिए कितना सारा पानी भरा हुआ है रोड पर, दोनों साइड में काफी सारा पानी भरा हुआ है, क्योंकि कल रात बहुत ही ज्यादा जम के बारिश आई थी भाई, बहुत तेज बिजली भी गड़क रही थी और बादल भी गरज रहे थे. मुझे तो लगा कहीं ना कहीं बिजली भी गिरी होगी, और यहाँ तो पानी का भंडार हो रहा है, पूरा रोड है ना फुल हो रखा है पानी से. हमारा डेस्टिनेशन हमें मिल नहीं रहा. लेफ्ट राइट गूगल पे ऐसे ही होता है कभी कभी ना, मिलता नहीं है. हमारी गाड़ी स्विमिंग कर रही है अभी, स्विमिंग. ये देखो, ये तरह चाचा चौधरी, ये हम आ चुके हैं डेस्टिनेशन में. ये है चाचा चौधरी एक्सप्रेस परफेक्ट, ये देखिए. ठीक है, अंदर जाके देखते हैं कैसी जगह है भाई. ये हमारी गाड़ी फंस गई है यहाँ पानी में, यहाँ पर उतरने के लिए बिल्कुल ही स्पेस ही नहीं था. अब देखते हैं सॉरी गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं, और आने के लिए देखिए रोड क्रॉस करने के लिए भी ना पानी में से होके आना पड़ेगा. पानी में से होके आना पड़ेगा ना. मैंने तो वही देखो बैलीस पहन रखी, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आई है. सो अब हम जा रहे हैं चाचा चौधरी एक्सप्रेस बफेट के अंदर. 150, देखिए 150 में लंच और डिनर, मतलब 150 में पर डाइट है. चलो फोन करा था थोड़ी देर पहले ना, आपने कहा था कि मशीन से करोगे तो आ जाएगा नाम. डेजर्ट के साथ 180 है अंकल. डेजर्ट में क्या है, गुलाब जामुन सिंगल पीस है, डबल है. अभी
डेजर्ट के साथ लेना कैसे लेते हैं? आइसक्रीम खा लेंगे बाहर। हाँ, डेजर्ट लेने हम का बाहर खा लेंगे। कोल्ड ड्रिंक है वो? कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो ऐसे अलग से ले लेंगे। 150 वाले दो कर दो आप। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हमने यूट्यूब में देखा था, चाचा चौधरी फूड अनलिमिटेड फूड। ये रहा मैंने ब्लॉगर है। हाँ जी, अभी ट्राई कर रहे हैं। फोन आया था, मैंने करा था 2 घंटे पहले। उनसे बात करो तो उनसे यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। क्यू QR कोड मशीन वेस्टेज के भी चार्जेस हैं। यहाँ पे फूड वेस्ट करने के 25 रुपीज। हाँ सही है, नहीं सही है, मतलब थाली में बचना नहीं चाहिए ना बिल्कुल भी। कई बार डेलीवरी भर लेते हैं खाने का, वो चीज खराब है। यहाँ की टाइमिंग है 12 noon to 5:30 PM एंड 6:30 PM टू 10:30 PM। और स्वीट डिश एक्स्ट्रा चार्जेस पर है, 180 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आपको डेजर्ट भी चाहिए तो डेजर्ट में गुलाब जामुन है अभी तो। तो फाइनली बहुत ही दिक्कतों के बाद हमारी पेमेंट हो गई। बहुत सारे ऑप्शन ट्राई करे, कार्ड चल नहीं रहा था और भारत पे भी नहीं होता। लास्ट में हमने पेटीएम से पेमेंट करी है और अब हम आ चुके हैं टोकन लेके अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। ये मंचूरियन, चाउमीन, राइस, और ये मिक्स वेज राइस है, ये सिंपल राइस, एंड माय फेवरेट कढ़ी पकौड़ा। इसके अलावा दाल मखनी देखिए कितनी अच्छी है। गाड़ी प्लस साथ में छोले, वैरायटी की तो कमी नहीं है। ये रेशमी पनीर सैलेड, भैया रायता इंक्लूड ही है ना प्लेट में? भैया सब इंक्लूड है ना? और ये रोटी। जैसे कि मैंने कहा था मेरे चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा, मैंने अभी चाउमीन लिया, वो देखो क्या लिखा। तो आराम आराम से लो, जितना मन कर रहा अपना खाओ। ये मैंने ले लिया, अभी मेरा बचेगा ना इनको दे दूंगी, तभी इन्होंने ना खाली प्लेट ली। आप जितनी मर्जी वाले ले सकते हो, तो आराम आराम से खाओ, अनलिमिटेड है वैसे। गाइस अब मैं अपने सेकंड राउंड में आ चुका हूँ। वो तो हमने चल हुआ था स्टार्टर, अब देखो मेरा सेकंड प्लेट ऑफ राउंड। कढ़ी पकौड़ा, दाल मखनी, देसी पनीर, छोले, सैलेड, रायता पीऊँगा लास्ट में। नहीं, मेरा तो इतना बचा हुआ है, अब ये मुझे ख़त्म करना है। और ये चाउमीन भी, मेरा तो चावल में पेट भर जाता है, पर खाना पड़ेगा। यही बचा है बस, यही बचा है बस, ये बाकी सब तो मैं खा ही चुकी हूँ। कर दिया ये देखो, ये है मेरी प्लेट, मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है।
कुछ भी नहीं छोड़ा। माय टास्क इज आल्सो कंप्लीटेड। इसमें थोड़ा थोड़ा सा चाहिए बचा हुआ है ना, हल्का हल्का सा। ये तीनों चीजें मेरी थाली देखो, बिल्कुल क्लीन चिट है। देखो नमस्ते, टास्क कंप्लीटेड। मैं जितना इसने एक बार में खाया था, जितना इसने पूरा खाया एक बार में मैंने खाया था चाउमीन के साथ, कम से कम। तो वैसे भी अच्छा था, आप जरूर यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिएगा। चाची चौधरी लिंक में हम जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एड्रेस भी कर देंगे, उसको लिंक कर देंगे लोकेशन, तो आप GPS के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी खाना बहुत अच्छा था, आप जितनी मर्जी वाले ले सकते हैं, लेटा लिए। गाइस खाना तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ पे एक ट्रेडिशन, अगर आपको खाना अच्छा लगे तो आपको बैल बजानी होती है। खाना सच में बहुत अच्छा था, खाना अंकल जी बहुत बढ़िया था सच में, बिल्कुल घर की तरह ना, एक्स्ट्रा मिर्ची वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया था। हम भी वैसे यूट्यूब में देख के ही आए थे, एकदम होमली, बहुत बढ़िया। वीडियो देख गए ना, अगली बार स्वाद की वजह से अंकल लोग, कड़ी इतनी खट्टी कैसे हो रही थी, मस्त बढ़िया हो रही थी। हम घर में बनाते हैं, इतनी खट्टी नहीं बनती। अच्छा, नहीं खट्टी तो ही पकाई जाती है, हर दिन का अलग मेन्यू होता है ना। हां डे वाइज भी नहीं, मैंने तो अंकल पेट भर के खाया जितना हो सकता था। सो अगर आप सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे बेल बजाइए, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है। तुम सेटिस्फाइड नहीं हो क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गूगल पे रेटिंग कर देंगे हम। हाँ गूगल पे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्वेरीज कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।